यूट्यूब का रॉबिन हुड AKA फुकरा इंसान भाई का न्यू वीडियो आ चुका है और ये वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है भाई। आई ऑर्गेनाइज यूट्यूबर्स ओलंपिक्स एंड विनर गेट्स अ थार। भाई ये बंदा कभी रशियन को ले आता है, ये बंदा पता नहीं 100 मिस्ट्री बॉक्सेस को खोलता है और सब्सक्राइबर्स को बांट देता है, फिर उसके बाद बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुला के बड़े बड़े मतलब इवेंट्स करता है भाई, मानना पड़ेगा। देखो गाइस, फुकरा भाई को ना दिल बड़े अच्छे से जीतना आता है, चाहे वो लड़के का हो या फिर लड़की का। जो नहीं जीतना आता वो है ट्रॉफी। हाँ ये कर लो पहले। अब देखो भाई, फुकरा इंसान को पता है कि अगर वो अपने वीडियो में भी कम्पीट करेगा तो अपनी वीडियो में भी शायद ट्रॉफी ना जीत पाए। जोक्स असाइड गाइस, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। फुकरा भाई को क्या जरूरत है अपनी वीडियो में कम्पीट करने के लिए भाई, वो तो जिंदगी में मचा ही रहा है। अब हल्का फुल्का जोक तो चलता रहता है भाई। तो चलो गाइस, फटाफट से ये वीडियो देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हमारे पास है इंडिया के टॉप 4 क्रिएटर्स। वैसे ट्रिगर इंसान को लेके अच्छा किया, बहुत कम लेता है वैसे वीडियो में, लेकिन चलो देखते मजा आएगा। ये कम्पीट करने वाले 5 डिफरेंट गेम्स में। तो भाई, व्हाट द फक, नकेल तो निकालो। वाह भाई वाह, ओलंपिक्स वाली गेम मेरे को एक्चुअल लगा वो वाली गेम्स होगी भाई। चलो ठीक है, ये भी अलग किस्म की गेम्स है, ऐसे मजा आता है। चलो एंड जीतने वाले को मिलेगी थार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, गेम नंबर 1, तो हम खेलने वाले द बुल गेम, और इसके ऊपर आप में से जो सबसे ज्यादा देर इसकी सवारी कर पाएगा उसको मिलेंगे सबसे ज्यादा पॉइंट्स। तो सबसे पहले कौन जाने वाला है? धीरू भाई। यार मुझे ना इन सब की हाइट देख के खुद को मतलब थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है, सब लंबे हैं भाई, क्योंकि हमको पता है फुकरा 6'3" है। धीरू की भी हाइट अच्छी है, ट्रिगर की भी है, थगेश की भी है, वो केतन नाम का जो बंदा है उसकी भी है, सब लंबू है भाई। आर यू रेडी? हाँ भाई, मैं धीरू रेडी है, लेट्स गो। चलो, और कुछ कर भी नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा। हाँ जाता हूँ। चलो लेट्स गो। कम ऑन धीरू, कम ऑन धीरू, बैंडू उंगली डाल दो पीछे भैया, हल्के। हाँ भैया, योर टाइम, रुक जाओ भाई, एक मिनट। अरे क्या भाई, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। ये वाला मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी नहीं किया, अगर आप लोग ने किया हो तो मुझे बताना। अरे भाई, भाई ओ भाई, व्हाट द फक, धीरू तो गिरने वाला है। ओ भाई भाई, सर आराम से कर दो, लेट कराओ भाई, बैठा झटका। धीरू पहले झटके में गिरने वाला है यार। भाई बहुत बहुत दम लगा रहा है, धीरू होगा, पक्का होगा। अरे भाई बहुत फिसल गया, गिरा है। वैसे ये बात तो है भाई, बहुत स्लिपरी होता है, एक तो तुम अगर पजामा पहन के उसके ऊपर बैठे तो ऑलरेडी तुम स्लिप होने वाले हो, तो थोड़ा दिमाग लाओ, कपड़ा थोड़ा वैसा वाला को जो स्लिप कम हो। स्लिप तो देखो सारे ही कपड़े होंगे, लेकिन थोड़ा नॉन स्लिपरी वाला अगर पहनोगे ना तो बढ़िया है, लेकिन क्या ही पता होगा कि उसको ये वाला गेम होगा, है ना। चल रहा है, तेल लगाया गया इस पे। ये तो बहुत स्लो था यार। ओ भाई, ओनली 45 भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओके, तो धीरू 45 सेकंड्स तू पर रहा, बुल के क्या एक्सपीरियंस रहा कुछ? भाई बहुत खतरनाक, मेरे हाथ अभी तक दर्द कर रहे हैं। कोई और एडवाइस जो तू देना चाहेगा, क्योंकि नेक्स्ट है निश्चय। भाई मत जाओ। छगन ब्लॉगर ऑन बुल, कम ऑन। अरे रे भाई, भाई थार घरा नीचे भाई। अरे भाई इस पे तो चढ़ना ही बड़ा खतरनाक है। अरे भाई चश्मा, भाई चश्मा चढ़ ही नहीं पाया, ये क्या था? आउट। चलो भाई शुरू कर दो, 3, 2, 1 गो, लेट्स गो। ये कैसा लेटा हुआ है भाई? अरे इसने तो पकड़ गलत तरीके से। भाई इसको मैं कैच कर लूं क्या? मुझे पहले जाना चाहिए था, मेरे साथ स्कैम हो गया है। अरे गिर गया। अरे क्या हो गया मेरे भाई तेरे को? भाई एक सेकंड, भाई कहाँ है? भाई बहुत तेज था यार, थार घर आनी चाहिए, लेट्स गो। मुझे तो नहीं लगता थार घर आने वाली है, मेरी बारी में ज्यादा तेज नहीं था। अगला कुछ कहना चाहेगा, नेक्स्ट कौन जा रहा है?
केतन भाई, भाई रहने दे भाई केतन भाई, ये देख भाई, भाई ये क्या खून निकल गया भाई। भाई एक बात बताओ, वो बुल है, बुल को उसके उससे रस्सी से पकड़ना था, तूने उसको कान से पकड़ लिया। नेक्स्ट आने वाला है केतन, लेट्स गो केतन भाई। केतन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? केतन भाई 3, 2, 1 भाई गो। केतन गिर जा भाई, गिर जा केतन भाई, केतन भाई। अरे रस्सी पकड़ो, जल्दी गिर भाई। अबे वो नीचे से पकड़ लिया भाई, हाथ कट जाएगा उसका। केतन भाई ये तो अचानक से ही हो गया भाई टर्न, भाई ये तो बहुत ही जल्दी टर्न आ गया भाई। मैं बताऊं, ओनली 13 seconds, ये तो लोएस्ट था अब तक का। धीरू ने 45 seconds करा भाई अब तक। धीरू भाई, भाई मैं ही हूं राजा। नहीं बचा है, ये बचा है ये भाई, ये क्या लगता है थगेश तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? तोड़ सकता भाई इसमें थगेश का मे भी तोड़ सकता है, लेट्स सी। 45 से मुझे लगता है थगेश मुझसे आगे निकल जाएगा, पर इससे नहीं निकल पाएगा। मेरे को लग रहा है 45 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अभी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि केतन रहा 13 सेकंड्स, निश्चय भाई 21, धीरू 45, अब थगेश 21 बोल के 20 लिखा है। ओके, ऑल द बेस्ट। यस शेयर जीता ही गया ना, लेट्स गो। 3, 2, 1 गो। लेट्स गो थगेश, लेट्स गो। चलो चलो चलो, ये भाई पूरा जोश में है, ये छोड़ने वाला है। हैं? ओ लड़का है। ये तो गिर गया था ना? क्या? नीचे टच नहीं हुए उसके पैर? अबे स्प्रिंग है क्या इसकी कमर में थगेश के? भाई व्हाट? भाई ये कैसे लटका हुआ है? भाई ये कैसे लटका हुआ है? ये अबे व्हाट? 36 अरे होने वाले 10 सेकंड और 3 सेकंड और 4, 2, 1 भाई, अरे भाई वो नीचे से पूरा मशीन हिल रही है। थगेश भाई का पैर टच कैसे नहीं हुआ यार? भाई क्या भाई, गया भाई 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 भाई, ये बुल पे ऐसे लटका पड़ा है भाई। आज मैंने जिम का दम देख लिया, 12 सेकंड से ये नीचे ऐसे लटका हुआ है उस पे। इधर से दिखा गिर गया, ये मुंबई लोकल ट्रेन में सिखा है तो। राउंड बिल्कुल सही भाई, फ्री बॉडी मसाज मिलती मुंबई लोकल ट्रेन में। आज का विनर है थगेश, जिसको मिलने वाले हैं 30 points, और सेकंड है धीरू जिसको मिलेंगे 20 points, फिर निश्चय जिसको मिलेंगे 10 points, एंड केतन जिसको इस राउंड में कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट राउंड तो जीता है, बट भाई अभी बहुत ज्यादा स्कोप है इस वीडियो में कवर अप करने का, तो यहाँ से चलते हैं गेम नंबर 2 पे, लेट्स गो। कौन सा गेम है? गेम नंबर 2, द बॉल फाइट गेम। आप चारों जाने वाले हो इन बॉल्स में और एक दूसरे को धक्का देने वाले, एकदम सुमो रेसलिंग गेम होने वाली है भाई। ये वाली जो स्पोर्ट्स है ना, बहुत मजा आता है इसमें, क्योंकि गिरते भी है तो लगता नहीं। हाँ अगर सर के बल गिरेंगे तो बात अलग है यार, लेकिन गिर भी सकते हैं। धक्का देके करना क्या है? धक्का देके बस रेड सर्कल रेड लाइन से बाहर करना है, जो सबसे एंड तक बना रहा वो होगा विनर। जो सबसे पहले निकला 0। भाई इसमें तो पूरा लेग्स का स्ट्रेंथ चाहिए और पूरा बैक और कोर का चाहिए, क्योंकि धक्का मारना और बचना है। अरे भाई खतरनाक गेम है यार ये, यार ये सब देख के मेरा भी मन कर रहा है खेलने का। पॉइंट्स धीरू, केतन फर्स्ट आया था पिछले राउंड में, ये देखो गलत बात है। थगेश भाई एक काम करो, खुद ही बाहर निकल लो। नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं है, स्ट्रेटेजी बन गई है 3-on-1 थगेश के साथ होने वाला है। धीरू जैकेट उतार रहे हैं, चलो आ जाओ बॉल के अंदर सारे। 3, 2, 1 फाइट फाइट। अबे 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 केतन आउट हो, इसको निकालो। अच्छा सर पे तो लगेगी नहीं भाई, सर तो उसके अंदर है। वाह तो दिखेगा भी कैसे, एक सेकंड भाई। फाइट फाइट ओए केतन आउट हो, इसको निकालो। अबे गिर गया, अरे अरे लड़ाई हो गई, अरे लड़ाई हो गई। अबे लात से थोड़ी मार रहा है वो, लात से मार रहा है थगेश को। तेरी तो थगेश जाना। थगेश का वो ही उतरवा दिया और थगेश बाहर भी हो गया। वाह बाहर हो गया, आ जा धीरू वर्सेस ट्रिगर। ओ धीरू वर्सेस ट्रिगर, आउट। और निशेश
ट्रिगर इंसान में बहुत जान है भाई, क्या धक्का मार के गिराया धीरू को। धीरू ने पूरी मेहनत करी थगेश को बाहर निकालने की, और थगेश के बाहर होते ही निश्चय ने धीरू को धक्का मार के बाहर कर दिया। अरे अमित मुझे तो बाहर निकालो, भाई ये एक बात बता, बॉल बाहर कैसे इधर है? पता नहीं यार, मेरे को भी नहीं समझा, पहनने ही नहीं दिया किसी ने वापस। बल्ले 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 बल्ले, तू जीत गया भाई, ये ना उल्ट बाहर करते इसको। नाइस। मैं होता ना तो वैसे ही सबको धक्का दे देता, वो जो खड़े हैं वहाँ पे। इस राउंड के एंड में निश्चय को मिलते हैं 30 points, धीरू को मिलते हैं 20 points, थगेश को मिलते हैं 10 points, एंड केतन वंस अगेन जीरो पॉइंट में। केतन के लिए अब रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा भाई। भाई ये पहले निकल गया। अबे ये राउंड नंबर थ्री, और राउंड नंबर थ्री में हम करने वाले हैं टॉय साइकिल रेस। इस वक्त सबके सब 40 पॉइंट्स पे है, एक्सेप्ट केतन जो भाई सारे मतलब 6 फीट या ऑलमोस्ट 6 फीट या 6 फीट अबव होंगे, और ऑब्वियसली 70 केजीज के ऊपर ही वेट होगा, और ये बच्चों वाली साइकिल भाई टूट जाएगी वो। अभी भी 0 पॉइंट पे है, तो केतन तू कवर अप कर सकता है इस राउंड में। इस गेम के रूल समझा देता हूँ, जैसे मैंने धक्का देके ये साइकिल चलाई है वैसे नहीं चलानी आपको, पेडल मारना है और अपना बॉडी वेट डालना है, और इस साइकिल को तोड़ना नहीं है, ये ऐसे चलानी है। देखो चली नहीं रही, चलो मैं थोड़ा चलता हूँ। उससे तो चल नहीं रही, हमसे चलवा रहे। ये साइकिल बहुत टफ है यार चलानी। बट गाइस आर यू रेडी? मैं अपनी साइकिल लेके पीछे चलता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, नीचे का जो कारपेट है ना ग्रीन कलर का, उस पे बहुत डिफिकल्ट होगा चलाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत हो जाता है। अगर मार्बल होता, मार्बल नीचे या ग्रेनाइट होता तो अच्छे से फ्रिक्शन लेस थोड़ा सा कम होता, फिर आगे बढ़ सकती, तो ये सारा कारपेट की वजह से ज्यादा जान लगेगी भाई पैडल घुमाने के लिए। फिजिक्स फिजिक्स, 3 2 1 गो, चलो। साइकिल चेंज, साइकिल चेंज। मैं तो तोड़ी थी भाई उसने, उड़ गई। अबे वो निकल गया, जल्दी से साइकिल चेंज। अबे केतन जीत रहा है भाई। भाई फर्स्ट तो वो बहुत अलग से ही नेक्स्ट लेवल स्पीड में है भाई। चलो धीरू भाई, केतन को 30 पॉइंट्स मिल गया। मैंने तो बोला रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पहुंच गया भाई, गेम इज ऑन। डैम लेट्स गो ब्रो भाई। अरे मेरा हैंडल गया। अबे तो भाई तू दो साइकिलें तोड़ चुका है, ऐसे खींचो भाई। ये देखो फर्स्ट आके वापसी आ गया भाई। भाई मेरी चेन निकल गई है। एक तो ये भारी भी बहुत है यार, थक गया भाई। निश्चय भाई कम ऑन, लेट्स गो। राजेश भाई खींचो। निश्चय धक्का मार ऐसे, पेडल और धक्का। अरे भाई बॉडी वेट, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हार नहीं मानना, कम ऑन, लगाओ दम लगाओ। अरे मेरा हैंडल ही नहीं है, कैसे चलाऊं यार। अपनी साइकिल दे, साइकिल दे, साइकिल दे। तीसरी साइकिल निश्चय की, इन दोनों की रेस टफ हो रही है। चल धीरू भाई खींचो। अरे आ गया मोमेंटम, धीरू इज डिस्क्वालिफाइड। कौन जाएगा आगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थगेश खींच दे थगेश। तीन साइकिल तोड़ी है तूने, तीन साइकिल। भाई हम तीन मिलके एक राउंड नहीं कर पाए, वो तीन बार कर दिया। तो गाइस इस राउंड में फाइनली केतन का खाता खुलता है, और उसको मिलते हैं 30 points, ट्रिगर्ड को मिलते हैं 20 points, थगेश को मिलते हैं 10 points, और धीरू जीरो जीरो। भाई सदमा लगाए, सदमा जीरो। यहां से चलते हैं गेम नंबर 4 पे, लेट्स गो राउंड नंबर 4, और इसमें हम खेलने वाले मिनी रग्बी। तो तुम में से एक बंदा जाएगा वहां से बॉल लेके आएगा, और पहली लाइन क्रॉस करेगा तो उसको मिलेंगे 0 marks, दूसरी लाइन क्रॉस करेगा तो 10 points, तीसरी लाइन क्रॉस करेगा तो 20 points, और फिनिश लाइन तक चला गया तो 30 points। इस राउंड में हर बंदा 30 points तक जीत सकता है। तीन जाने रोकेंगे, एक बंदा बॉल लेके आएगा, बॉल जहां टचडाउन हुई उतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो धीरू जा रहा है फर्स्ट, आर यू रेडी? पूरा रेडी। तुम अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करो, चलो। अब जो सूमो लाया तो थोड़ा जापनी से भी बोल देते, या बते कुदुसाई। स्ट्रेटजी थी अरिगातो। आर यू गाइस रेडी? रेडी, यस ब्रो। ऑल द बेस्ट धीरू भाई। यस सर, लेट्स गो। कबड्डी बस, भाग मिल्खा भाग, मत रोको मुझे। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे पाले रख दिया। Let's go! कर लिया।
अबे साइड से निकल गया वो। अबे भाई 34 सही बता रहा हूँ। ये रुक गया था, हाथ में आ चुका था, मुझे बॉल गिरने वाली थी, बॉल गिरने वाली थी भाई, पर भागता रहा, कह रहा रुकूंगा नहीं। नेक्स्ट कौन जाने वाला है? सांड की तरह भागा। केतन कोई मास्टर प्लान है? नहीं, मेरे लिए कोई प्लान की जरूरत है? ओह माय गॉड केतन, आई होप तू कर पाए, लेट्स गो। कबड्डी 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 अभी गिरा नहीं हूँ भाई, गिर गया ना यहाँ पे, अरे यहाँ पे गिर गया, उसको क्या हो गया भाई? ठीक है, आई एम फाइन। क्या हुआ भाई? बॉल जा चुका, इसको बिना चश्मे के दिख रहा होगा ट्रिगर को, टूटेगी उतने पॉइंट्स मिलेंगे। केतन को मिले 0 पॉइंट्स लास्ट राउंड में, क्योंकि वो 10 वाली लाइन भी नहीं कर पाया बॉल को लेकर। तो थगेश आई होप यू गेट 30, ऑल द बेस्ट। थगेश कर लेगा, थगेश कर लेगा, जाने है उसमें। कबड्डी 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 अरे अरे पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया रे, ओ हो गया जीरो भाई ये तो नहीं रे, अच्छा पकड़ा यार लोगों ने थगेश को, ये जीरो है और ये वाला पार करता था। Oh my God, how is this possible? भैया ऐसे धीरू मौंचिक सांड की तरह भागा है। थगेश मेरे को तेरे से सबसे ज्यादा उम्मीद थी भाई, मेरे को पहले जाना चाहिए, एनर्जी नहीं बची, अब मैं कैसे भागूंगा भाई। आई स्वेर इतना मजा आ रहा है ये गेम्स खेल के, थैंक्स टू वन विन जिनकी वजह से हम ये गेम खेल पाए। तुम भी यहाँ पर जाके बहुत अमेजिंग गेम खेल सकते हो लाइक लकी जेट, और भाई ये बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यूज माई कूपन कोड FUKRA100, आपको मिलेगा 500% का बोनस। यहाँ से हम चलते हैं निश्चय के राउंड पे। क्या प्लान है निश्चय? कोई प्लान नहीं है। चल ठीक है फिर शुरू करते हैं। लसन लसन ये शायद नहीं कर पाएगा, पकड़ा गया, हो गया, हो गया भाई, पकड़ा गया। दस तक ले जा, दस तक। हाँ धीरू ने टांगे पकड़ लिया, अब नहीं होगा, पॉसिबल नहीं भाई। ओ भाई आउट ऑफ कंट्रोल। झंडा दिखा दो मेरी तरफ से भाई, आई क्विट। बहुत बहुत अच्छा गेम खेला निश्चय ने, धीरू मौंजी 30 पॉइंट्स। यहाँ से चलते हैं हम अपने फाइनल राउंड में, लीडर बोर्ड आपके सामने आ चुका है, लेट्स गो फाइनल गेम। और इस गेम के रूल्स बहुत अमेजिंग है, क्योंकि एक सेकंड, कौन टॉप पे? धीरू मौंजी 70 पॉइंट्स, ओके क्या बात है भाई, 50 70 60, अभी भी गेम ऑन ही है, लेट्स गो फाइनल गेम। और इस गेम के रूल्स बहुत अमेजिंग है, क्योंकि भाई इसमें ना किसी को पॉइंट जीतने का मौका नहीं है, सिर्फ हार सकते हो। जिसने ये जेंगा गिराई उसको -30। ओह उसको -30 भाई, ये तो बहुत घटिया है भाई। धीरू भाई देख, तेरे को जीतने के लिए सिर्फ गिराना नहीं है बस। मैं बेसिकली बता देता हूँ, अभी धीरू भाई लीड कर रहे हैं 70 पॉइंट्स, निश्चय सेकंड 60, थगेश थर्ड 50 पॉइंट्स, और केतन के पास सिर्फ 30 पॉइंट्स अब तक। तेरे पास सबसे कम पॉइंट्स है तो तेरे से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जेंगा गेम। कुछ नहीं करना, एक ब्लॉक निकालना, ऊपर रखना है, गिराना नहीं है बस भाई। तुम लोगों के लिए मुश्किल करूंगा, तुम लोगों ने बड़ी गंदी गेम है भाई, गिरा मत दियो बस पहली बारी में भाई। तू नहीं भाई, गिरेगा गिरेगा पूरा गिरेगा पूरा गिरेगा। इजी वाला ले भाई, इजी। हाँ यही निकाल दे, खींच दे एक बारी में। नीचे से। भाई इजी ब्रो, इजी। लोग कैसे खेलते हैं इसको यार? मैं इतनी देर से सोच के बैठा था, यही वाला निकालूंगा। Yes, finally Katin did it. Finally bro. भाई रखना भी है। Very good. अरे वो झुक गया भाई। Let's go Thagesh. गिरने वाला वो झुक चुका ऑलरेडी। भाई ये तो तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत इजी है, बट ये बहुत डेंजरस गेम है यार। एक्चुअल में, और वैसे भी ये टेढ़ा है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा की तरह। ओ कहाँ से निकाला? ओ प्यार से, प्यार से थक भाई, प्यार से। अदनान नहीं है ये, तुम पेल दो कहीं भाई, इतने प्यार। अदनान का नाम तो आना ही है, मैं भी निकाल दूँ बस, रख भी दूँ इतनी प्यार से। लेट्स गो निश्चय, आ गिरा निश्चय का फोकस। छू छू, ओ भाई ओ भाई, अबे वो पूरा एक ब्रिक पे है भाई। ओ हो भाई, वो एक ब्लॉक पे टिका हुआ है वो बस। धीरू भाई हार ना, धीरू भाई अब मुझे घर जाना है। धीरू की धीरू से गिरने वाला है।
पूरा पिलर एक टावर पे छोड़ दिया तेरे लिए, तूने गिरा दिया। नहीं गया, ये गया भाई। एक काम करो, बहुत बहुत इम्पॉसिबल है। नहीं ऊपर नहीं निकल सकते भाई। सबसे इजी देखो कौन सा निकल सकता है। वो सोच गिरने वाला है, गिरने वाला है। अरे भाई वो जिस जगह झुका हुआ था तुम पीछे से उंगली मारोगे तो गिरेगा ही ना भाई। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी पिन नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए था? इधर यहाँ से झुका हुआ है ना, तो तुम्हें यहाँ से और यहाँ से नहीं करना चाहिए था, यहाँ साइड से करना चाहिए था। खेला हुआ है मैंने इसलिए मुझे पता जाएगा के बारे में। माइनस 30। हाँ अभी सिर्फ 10 पॉइंट बचे हैं इसके। काला भी नहीं है ऐसे। वो जिस तरफ गिर रहा था तू ऐसे कर दिया उसको। जा जा गिर रहा था तूने उसी को गिरा के निश्चय को आज का विनर बना दिया। निश्चय विनर बन गया। अरे 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 वीरू भाई तुम मेरे फेवरेट हो। ये थार इनके घर में ही है। ये फुकरा इंसान ट्रिगर इंसान भाई क्या है ये? ये दोनों भाई जो भी टच करते सोना बन जाता है यार। हाँ किसी को नहीं मिला, इनके घर में ही थार चली गई। अब ये गिव अवे करेंगे क्या करेंगे पता नहीं भाई। ओके तो आज की वीडियो के विनर है ट्रिगर्ड इंसान। क्या बात है भाई, अभी अभी नेशनल क्रिएटर अवार्ड जीता है भाई गेमिंग कैटेगरी में। क्या प्राउड मोमेंट था यूट्यूबर के लिए और गेमिंग कम्युनिटी के लिए, है ना। मस्त है भाई, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया यूट्यूबर्स को। और सीरियल वाले मजाक उड़ा रहे थे, साला सीरियल वालों को कोई कोई नहीं पूछता, बस वो आईफा आईफा करते रहेंगे जो बिकाऊ अवार्ड होते हैं ना। ये यहाँ से लेके जा रहा है एक ब्रांड न्यू थार। थार यार बट निश्चय हमारे पास तेरे लिए एक ऑप्शन और है, एक ब्रांड न्यू थार या 10 लाख रुपए कैश। ओके थार और कैश 10 लाख रुपए। थार कितने की आती है गाइस? एक सेकंड रुक जाओ, मुझे थार का प्राइस देखने दो, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं। तो ओके गाइस 11.5 लाख तक की थार आ जाती है बेस मॉडल्स अगर बोलूँ तो, और 10 लाख रुपया कैश दे रहा है। तो भाई मेरे ख्याल से फिर गाड़ी लेने से अच्छा कैश ही ले लो, है ना, क्योंकि गाड़ी लोगे फिर गाड़ी को बेचने जाओगे तो बड़ा मगजमारी दिमाग खराब होगा। कैश ले लो भाई, मैं अगर इसकी जगह तो कैश ले लेता गेमिंग पीसी के लिए भाई। यू नो हाउ डेस्परेट आई एम फॉर अ पीसी। धीरू के लिए भी काफी ऐसा फील हो रहा है, एंड इवन सबने बहुत ज्यादा मेहनत करी है तो ये पैसा बांटने वाला है। वाह भाई ये इनका दिल कितना बड़ा है यार। आई थिंक ये वाला जो कैश प्राइस है ये मैं लूंगा एंड हम सारे स्प्लिट कर लेते हैं इसको। और मेरा हिस्सा अबे तू जा रहे ये पकड़ो तुम स्प्लिट करो। 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख सबको 2.5 लाख मिला। क्या बात है भाई, इतने तो मेरा पीसी आ जाएगा मस्त वाला। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वन विन पे जाके मस्ती करो, एंजॉय करो, गेम्स खेलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ओके सो गाइस वीडियो तो बहुत ज्यादा बढ़िया थी, मेरे को अच्छा लगा भाई। ये दोनों भाइयों का दिल कितना बड़ा है, कैश लिया और सब में स्प्लिट कर दिया। क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई, क्योंकि ट्रिगर इज ऑल्सो अर्निंग ना। सारे क्रिएटर्स कमा रहे, धकेश भी कमा रहा है, सब कमा रहे, स्प्लिट कर दिया, अच्छी बात है भाई। देखो ये अच्छा लगता है कम्युनिटी में ऐसा होना चाहिए, ना कि मैक्सटन और एल्विश की तरह पहले एक दूसरे को फोड़ो लड़ाई करो और फिर भाईचारा वन टॉप। लड़कियां होती तो ब्लॉक व्लॉक करके पता नहीं एक दूसरे को नोच देती। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मैं हूं आपको बॉलीवुड स्टार की अमर बेदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूं मैं आपको, बाय बाय।